पेट्रोल डाल के सुसाइड कर दिया। कुछ नहीं चाहिए, मुझे गिरफ्तार नहीं करो, वरना मैं अपने परिवार और खुद और मेरे छोटे छोटे बच्चे दो उनके साथ में आए आत्महत्या कर लूंगा। बस उनको लाओ हमारे सामने और बताओ कि यही तुमको पकड़ रहा है और उनको फांसी दो, फांसी दो उनको, हजारों की संख्या में बैठे लोग, लोगों के बीच में बैठे हैं गहलोत की पुलिस के आला अधिकारी और उन सब के सामने एक भाई बहन खुलकर आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। इसकी वजह है बीते दिनों हुई इनके भाई की हत्या। दरअसल पाली में हुए जितेंद्र पाल मेघवाल के हत्या के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र के गुड लुक्स और अच्छी पर्सनैलिटी से काफी चिढ़ता था। युवक ने मूछों के साथ सोशल मीडिया पर अपने फोटो शेयर की थी, इस बात से आरोपी काफी नाराज था। दोनों के बीच एक तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी सूरज सिंह और जितेंद्र पाल के बीच 2 साल पहले भी विवाद हुआ था। इसको लेकर दोनों के बीच आपसी रंजिश थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जितेंद्र ने 2 साल पहले सूरज सिंह सहित 3 आरोपियों को नजरें उठाकर देख लिया था। इससे नाराज होकर सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह ने जितेंद्र के घर जाकर मारपीट की और मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया। इसके बाद मृतक जितेंद्र की नौकरी लग गई तो उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई। उसने सोशल मीडिया पर मूछों में फोटो लगाए जो आरोपियों को नागवार गुजरे। युवक की हत्या के बाद समाज में भारी आक्रोश है। धरने पर बैठे लोगों ने मृतक के भाई को सरकारी नौकरी देने, आर्थिक रूप से कमजोर मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए देने और बारवा गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने समझाइश भी की है। जो समाज के साथ जो चीज हुई है, भविष्य में भूतकाल में जो बात हुई है उसकी बात आपने शांतिपूर्वक रखी है और इस केस के प्रति जो आपके मन में गुस्सा था, आक्रोश था, जनता जो आद्वेलित थी, वो मैंने दो दिन से एक एक चीज देखी है। हमारी टीमें, मैंने आपको परसों शाम को 48 घंटे की डिमांड करी थी। मैंने कहा मुलजिम दूर निकल गए हैं, टाइम लगेगा। हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर ये है कि दोनों ही मुख्य आरोपी हमारे पोजीशन में आ गए हैं। फोटो देखने के बाद आरोपी सूरत से 800 किलोमीटर बाइक चलाकर बारवा पहुंचे थे और एक दिन जितेंद्र के आने जाने की रास्ते की रेकी की। फिर अगले दिन बाइक पर जाते समय आरोपियों ने चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि जितेंद्र की लाइफस्टाइल को लेकर आरोपी उससे रंजिश रखते थे, क्योंकि जितेंद्र बड़ी बड़ी मूछों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालता था। इसे लेकर भी आरोपियों और मृतक के बीच तकरार हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे हत्या के बारे में पूछताछ कर रही है। राजस्थान तक के लिए पाली से भरत भूषण जोशी की रिपोर्ट।